कल्याणकारी महिला समिति ने बुधवार को फतेहाबाद रोड स्थित होटल रॉयल रेजिडेंसी में धूमधाम से तीजोत्सव मनाया। समिति के अध्यक्ष अशु मित्तल ने घरों में, पार्क और कॉलोनियों में पौधे लगाकर वातावरण को हरा भरा रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में पड़ने वाली इस तीज पर वातावरण हरा भरा होता है, इसलिए इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। परंपरा के अनुसार इसी दिन से त्योहार के पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तीज के त्योहार पर सुहागिने लंबे और सुखी विवाहित जीवन के लिए पूजन करती हैं। इस दिन गौरी शंकर का पूजन होता है। माता पार्वती से सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। मान्यता के अनुसार प्रकृति में बदलाव की खुशियां मनाने और सुखी दाम्पत्य जीवन की मनोकामना पूर्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। समिति की सचिव रीना गर्ग और कोषाध्यक्ष सविता पालीवाल ने कहा कि आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक इस पर्व को शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सावन के चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। मानो ऐसा लगता है रिमझिम फुहारों के बीच तन मन नृत्य करने लगता है। महिलाएं झूला झूलती हैं, लोक गीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। मान्यता है कि मां पार्वती के कठोर तप के बाद भगवान शिव ने उन्हें इस दिन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। तीजोत्सव में पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता जाहिर की गई। इस अवसर पर नाच गाने, विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। सावन के गीत मल्हार ने समा बांध दिया। महिलाओं ने तंबोला नृत्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की। तीजोत्सव में पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता जाहिर की गई। इस अवसर पर नाच गाने, विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। सावन के गीत मल्हार ने समा बांध दिया। महिलाओं ने तंबोला नृत्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान स्नेहलता गुप्ता, शैलबाला अग्रवाल, विमला आसोपा, शशि गोयल, अंजू सिंगल, अनीता दयाल, भावना अग्रवाल, मीना मित्तल, कुसुम मेहरा, निशी गर्ग, नीलिमा पाटनी, वीना खंडेलवाल आदि मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज, आगरा।